हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब लोग? मायसेल्फ डॉक्टर बकुलदेव एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट लेट्स क्रैक नीट यूजी, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर नीट. एंड दिस इज जोश 2021. ये 90 डेज का आपका कोर्स है जिसमें हम लोग आपका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं. और दूसरा मेजर यूनिट हमने सैटरडे को कंप्लीट कर लिया था, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स. और कल से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे. लेकिन आज बायोमोलिक्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग. दिस इज योर टीम फॉर जोश 2021. माय सेल्फ डॉक्टर बकुलदेव, मैं आपको ज़ुबानी पढ़ा रहा हूँ. मेरे तुरंत बाद अंकित सर की फिजिक्स की क्लास होगी, शिवानी मैम आपको बॉटनी पढ़ा रही है, रोहित सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और अर्चना मैडम भी आपको फिजिक्स पढ़ा रही है. बायोमोलिक्यूल का सेगमेंट कंप्लीट हम कर चुके हैं. आज जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर विल बी अ क्विज और एक स्पेशल क्लास जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज वाला, वो आज शाम को 6 बजे होगा. उससे पहले डू सब्सक्राइब अन अकेडमी प्लस. प्लस पर 19 से हम सभी लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सेम टीम है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. प्लस पर अगर आप आएंगे तो आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा, बहुत एडेड एडवांटेजेस आपको मिलेंगे. लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, बोथ लैंग्वेजेस, जितने भी लैंग्वेजेस आपको हिंदी या इंग्लिश में जिसमें चाहिए उसमें क्लासेस मिलेंगी, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर्सनल काउंसलिंग सेशंस होंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको किसी भी और फोरम, किसी भी और प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं होगी. सो इट इज अ सिंसियर एडवाइस फ्रॉम माय साइड दैट डू सब्सक्राइब एन अकेडमी प्लस. As of now, if you subscribe an Academy Plus for 12 months, then the overall subscription fee is 38,500. But do remember this code, that is BDEV. Use this and you will get instant 10% scholarship. And plus, you will enter in my personal mentorship group. I will be guiding you throughout the commencement of your exam, that is NEET 2021. उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजों की आपको जरूरत होगी वो सारी की सारी हम लोग डिस्कस करेंगे. पर्सनल काउंसलिंग सेशंस की जरूरत हुई, डाउट सॉल्विंग सेशंस की जरूरत हुई, किसी भी और तरीके की गाइडेंस की जरूरत हुई, दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग टू ऑल ऑफ यू. सो डू रिमेंबर दिस कोड, अप्लाई दिस कोड एंड सब्सक्राइब एन अकेडमी प्लस एटलीस्ट फॉर सम टाइम ड्यूरेशन, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए ही सब्सक्राइब करें. लेकिन करें, इट इज गोइंग टू बी हाईली 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 बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में तो आप जानते ही हैं, संडे टू संडे होता है, आप में से काफी बच्चे इसमें अपीयर भी हुए होंगे जहां तक मैं सोचता हूँ. और अगर उसमें से आप टॉप 3 में इंक्लूड होते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाता है आपके सब्सक्रिप्शन में. तो प्लस को जरूर सब्सक्राइब करो. प्लस पर बहुत 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 इनोवेटिव, बहुत तरीके से हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर करते हैं. यूट्यूब सेशंस के साथ अगर प्लस आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो it will increase your performance by 10-15%. So do subscribe plus. और अब सारे के सारे बच्चे जुड़ जाइए क्योंकि हम लोग अब हमारा सेशन स्टार्ट करने ही वाले हैं. बच्चों सेशन को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो. मैं बस अब क्विज का पोर्शन स्टार्ट करने वाला हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्विज. कौन कौन बच्चे आ गए हैं देखो भाई. ऋतु, पूर्णिमा, शेरपा, सोहेल, ईशु मोहन, अभी पांडे, बिट्टू राजपूत, पूर्णिमा, राहुल, शशि, ईशु मोहन, हरजोत, संजय, प्रज्ञा, उज्जवल, हृतिक कुमार. आ जाइए आ जाइए, सारे बच्चे आ जाइए. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सैफुल्ला, सैयद सैफुल्ला, अभी पांडे और बाकी सारे के सारे बच्चे. सो आई विल स्टार्ट पोस्टिंग द क्वेश्चंस. आपको अपने कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करना है. वी विल डिस्कस देम. कोई अगर क्वेरी आपका हुआ तो उसको हम सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करें बेटा. चलो लेट अस स्टार्ट द क्विज. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. रिड्यूसिंग शुगर्स आर glucose, fructose, galactose, maltose and lactose, glucose, sucrose and cellulose, lactose, starch, glycogen and trehalose, all of the above.
रिड्यूसिंग शुगर इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए जरा, स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। शाबाश, मैं जरा स्क्रीन से अलग हट जाऊं जिससे कि आपको ये प्रॉपरली दिखाई देता रहे। लीजिए रिस्पॉन्ड करो बेटा, ऋतिक, महेश, वेरी गुड। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट, कि जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं, ऑल मोनोसैकेराइड, मैं लिखे देता हूं, ऑल डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज, ये आपके रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं। तो अब यहां सुक्रोज आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, यहां आपका पॉलीसैकेराइड आ गया है तो ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस, दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि ये बेनेडिक्ट या फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है हमारा उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इनवर्ट शुगर इज अ मिक्सचर ऑफ, इनवर्ट शुगर किसे कहते हैं बताइए जरा जल्दी से। शाबाश, इनवर्ट शुगर, इनमें से इनवर्ट शुगर कौन सा है? शगुन, शशि, प्रज्ञा, पूर्णिमा, राजे भाव खत्री, बाकी सारे के सारे बच्चे भी बताना शुरू करो। इनवर्ट शुगर किसे कहेंगे? नाम सुना है इनवर्ट शुगर का पहले? तैयारी करके नहीं आए हो? देखो तुम, मैंने तुमको सैटरडे को बोला था कि प्रॉपरली सारे के सारे सेशंस देख के आना, थोड़ा सा रिवीजन करके आना, तो तुम्हारे लिए चीजें आसान होंगी। फिर भी काफी बच्चों ने सही बताया है। ठीक है, इनवर्ट शुगर इज नथिंग बट सुक्रोज, और सुक्रोज किस किस से मिलके बनता है आप जानते ही हैं, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना है बेटा अमित कुमार तो आज सुन लो, इनवर्ट शुगर सुक्रोज को भी कहते हैं। इनफैक्ट सुक्रोज को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है उसको सुक्रेज भी कहते हैं और इनवर्टेज भी कहते हैं, है ना? एंजाइम का नाम भी सुक्रेज या इनवर्टेज, दोनों ही हम इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट? चलिए जी आगे मूव करें, शुड बी मूव फॉरवर्ड। चलिए, द मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल एंड वैक्सेस। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा जल्दी से जवाब दीजिए, मतलब सोच समझ के, और फिर उसके बाद में एक बार थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। जल्दबाजी में कई बार आप सिली मिस्टेक कर देते हैं, है ना, तो वो मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आंसर आपका सही हो। चलिए शाबाश, वेरी गुड। राहुल क्या कर रहे हो बेटा? शगुन, वैष्णवी, बाकी सारे बच्चे ठीक है, करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज फॉस्फोलिपिड, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। कोलेस्ट्रोल तो सिंपल, कोलेस्ट्रोल तो हमारे ब्लड में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन आर ब्लड, है ना, तो उसमें आप आंसर देंगे कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल होता है लगभग 150 टू 180, कई बार 200 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, है ना। तो कोलेस्ट्रोल प्राइमरी लिपिड ऑफ द ब्लड और वी कैन से प्लाज्मा, बट एज फार एज सेल मेम्ब्रेन्स आर कंसर्न्ड दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें।
अच्छा जितने भी बच्चे अभी सेशन देख रहे हैं बेटा उसको लाइक भी करो सेशन को और शेयर भी करो, लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन इमीडिएटली, और फिर हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ओके अब ये थोड़ा सा सोच के बताना पड़ेगा आपको, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और सेचुरेटेड फैटी एसिड में मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे, एक चार्ट बनाया था डिफरेंसेस का। सो यू हैव टू रिप्लाई, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द सेचुरेटेड, हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द सेचुरेटेड, मेल्टिंग पॉइंट इज सेम, नन ऑफ द अबव। तो ये आप जो डिफरेंस वाला टेबल अगर आपको याद होगा जिसमें हमने एक चीज आपको लिखवाई थी कि रूम टेम्परेचर पर कौन सा फैट लिक्विफाइड फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर पर कौन सा फैट सॉलिडिफाइड फॉर्म में होता है, वो अगर आपको याद होगा इन दैट केस यू विल बी एबल टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन। शाबाश, याद कीजिए जल्दी से। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एग्जैक्टली मिलते किसमें है, सबसे पहले तो ये याद करना है, फिर दूसरी चीज ये याद करनी है कि जिसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मिलते हैं वो रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है। You will get your answer. दो चीजें आपको मैच करनी पड़ेंगी। अब देखो सब कंफ्यूज हो रहे हो तुम, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते किसमें, सबसे पहले तो ये बताइए मेरे को, कौन बताएगा किसमें मिलते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। हमने दो तरह के फैट पढ़ाए थे, सिंपल लिपिड में जब हमने ट्रू फैट या न्यूट्रल लिपिड पढ़ा था तो मैंने दो तरह के फैट बताए थे आपको, एक तो प्लांट ऑरिजिन का फैट और एक एनिमल ऑरिजिन का फैट, दो चीजें बताई थी याद कीजिए। एक तो मैंने बताया था आपको वेजिटेबल ऑयल, जैसे सरसों का तेल है ना, तिल का तेल है, और दूसरा मैंने बताया था आपको घी। ये एनिमल ऑरिजिन का फैट है, ये प्लांट ऑरिजिन का फैट है। घी कैसा होता है रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड होता है। ये कैसा होता है रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड होता है। और प्लांट ऑरिजिन के फैट में आपके अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मिलते हैं, इसमें तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो सीधी सी बात है कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें भी होंगे वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लो, ठीक है ना, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ, मेल्टिंग पॉइंट लो है इनका, इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पर कैसे हैं लिक्विड। घी जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसी वजह से वो रूम टेम्परेचर पर कैसा है, सॉलिड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बोलो। ये क्लियर हो गया हो तो मैं आगे चलूं, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से बताऊं आपको, रेस्पॉन्ड फास्ट, रेस्पॉन्ड फास्ट, याद आ गया कि नहीं, यस। चलो अब जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया लाइक करो और शेयर करो जल्दी से। आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। द ब्रांचिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च विच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अकर्स, जहां ब्रांचिंग होती है वहां कौन सा बॉन्ड होता है। ये ए जो है, यहाँ ए का मतलब है अल्फा और बी का मतलब है बीटा, है ना, इसको आप अल्फा मान के चले, इसको बीटा मान के चले। अब बताइए ब्रांचिंग जहां पर होती है स्टार्च में वहां कौन सा बॉन्ड होता है। शाबाश, ट्राई टू रेस्पॉन्ड। जहां भी ब्रांचिंग होगी, देखो स्टार्च में दो चीजें होती हैं आपने पढ़ रखी हैं, स्टार्च में एक तो होता है ये चेन होता है सिंपल जिसके अंदर आपके ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और एक होता है ब्रांचिंग जिसमें जगह जगह ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस से कनेक्टेड होते हैं। द क्वेश्चन इज विच बॉन्ड इज फाउंड एट दीज ब्रांचेस। सिंपल चेन में देखो, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ग्लाइकोजन और स्टार्च ये दो चीजें हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है, तो डेफिनेटली इन दोनों में अल्फा लिंकेज होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अल्फा एमाइलेज। हमारी बॉडी में बीटा एमाइलेज नहीं मिलते, इसी वजह से हमारी बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि वहां लिंकेज कैसे है बीटा फर्स्ट। अगर स्ट्रेट चेन में आपसे पूछा जाता तो आंसर होता अल्फा 1,4,
लेकिन अगर ब्रांचिंग में पूछा जाता है आपसे तो अल्फा 16, जहां जहां ब्रांचिंग होगी वहां अल्फा 16 लिंकेज होंगे, और जो स्ट्रेट चेन होगा जहां ब्रांचिंग का मामला नहीं पूछा जा रहा है आपसे वहां अल्फा 14 होगा. सेम पैटर्न विल फॉलो इन नॉट ओनली स्टार्च एज वेल एज, अगर ये क्वेश्चन ग्लाइकोजन के बारे में पूछा जाता तो भी आंसर यही रहता, आंसर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता. अगर ये क्वेश्चन सेल्यूलोज के बारे में पूछा जाता इन दैट केस द आंसर वुड हैव बीन बीटा लिंकेज, बीटा 14 लिंकेज. ठीक है, शाबाश. चलिए आगे मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स गिव अ डार्क ब्लू कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ ब्लू कलर कौन देता, amylopectin, cellulose, starch, none of the above. ये भी बता रखा है आप, बताओ जरा जल्दी से ब्लू कलर कौन देता है आयोडीन के साथ में. मैंने आपको दो चीजें बता रखी हैं, एक तो मैंने ये बताया हुआ है कि रेड कलर कौन देता है, एक मैंने बताया हुआ है ब्लू कलर कौन देता है, और यही दो चीजें आपको याद रखनी है जिन पर कि अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. आर्यन चौधरी बेटा आप जरा पेपर की तरफ ध्यान दो ना, क्या करना तुमको गूगल मीट पे, क्या करना है, किससे मिलना है ये बताओ, अभी तो मुझसे मुलाकात करो. शाबाश, स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद द आयोडीन. अच्छा यहां अगर एमाइलोज लिखा होता है, ये भी सुनिए ध्यान से, स्टार्च के दो फ्रैक्शन होते हैं एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज लिखा होता तो एमाइलोज भी ब्लू कलर देता है, एमाइलोपेक्टिन ब्लू कलर नहीं देता, इस वजह से ये नहीं होगा, हालांकि ये स्टार्च का ही फ्रैक्शन है. तो अगर यहाँ एमाइलोज लिखा होता इन दैट केस द आंसर वुड हैव बीन बोथ 1 and 3. और अगर मैं यहाँ रेड कलर पूछ लूं आपसे, ब्लू की जगह रेड कलर पूछ लिया जाता आपसे, इन दैट केस द आंसर वुड हैव बीन ग्लाइकोजन, करेक्ट. चलो आगे मूव करते हैं, क्लियर है ना सबको. देखो किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ लेना, मैं आपके सबके कमेंट्स भी पढ़ते जा रहा हूं, कंफ्यूजन किसी को भी हो तो तुरंत पूछ लेना, वरना फिर हम आगे मूव करेंगे. क्लियर है यहां तक का सारा मामला, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चे को, शुड आई मूव फॉरवर्ड. चलो, ए पॉलीसेकेराइड ऑफ कार्टिलेज इज कॉन्ग्रिन, ऑसिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और कार्टिलेजिन. हाँ जी, याद कीजिए इसका आंसर कहां से आएगा. संदीप कह रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा, आप एक काम कीजिए, लॉग आउट कीजिए, इसको बंद कर दीजिए विंडो को और फिर से ओपन कीजिए, देयर इज एन इश्यू ऑफ नेटवर्क फ्रॉम योर साइड. यहां से जो अपलोड हो रहा है डाटा दैट इज विद सिग्निफिकेंट स्पीड, और बाकी सारे बच्चों को वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा होगा ऐसा मैं मान के चलता हूं. चलो, कार्टिलेज का पॉलीसेकेराइड पता करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, हिंट दिए देता हूं. चलो, हमने पॉलीसेकेराइड में क्या पढ़ा था, स्टोरेज, स्ट्रक्चरल, और फिर एक तीसरी कैटेगरी और पढ़ी थी म्यूकोपॉलीसेकेराइड, याद करो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, वहां से आपका आंसर आएगा. गलत 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 गलत, सारे बच्चे गलत आंसर दे. अरे भाई कॉन्ड्रिन जो है ये तो होता है प्रोटीन, ऑसिन भी प्रोटीन है लेकिन ये बोन में मिलता है, दैट इज एन फाउंड इन बोन. कॉन्ड्रिन इज प्रोटीन विच इज फाउंड इन कार्टिलेज, लेकिन आपसे पॉलीसेकेराइड पूछा है, प्रोटीन नहीं पूछा है. द आंसर इज कॉन्ड्राइटिन सल्फेट एंड इट इज एक्चुअली म्यूकोपॉलीसेकेराइड. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आपसे पूछा जाए तो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट की जगह हो जाएगा हेपेरिन सल्फेट या हाइलुरोनिक एसिड, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, ठीक है ना. तो थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, ऐसे जल्दबाजी में गड़बड़ मत करो क्वेश्चंस के साथ. चलू आगे मूव करूं, हो गया यहां तक. चलो, मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे
लगभग लगभग 30% 40% क्वेश्चन आते हैं जो किसी भी बच्चे को गलत नहीं करने चाहिए। एक बार पढ़ते ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप उसके आंसर तक पहुंच जाते हैं, ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से, सिली मिस्टेक मत कर देना भाई, गड़बड़ मत कर देना, जल्दी। राहुल बेटा, राहुल और महेश और निधि, ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? जरा यहां तो ध्यान दो बेटा, क्या पूछा है? इस वर्ड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, इस शब्द पर थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पर, और फिर तुम लोगों ने जो रिप्लाई किया है कंपेयर करो कि क्या वो प्रोटीन है। बहुत से बच्चे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया है टू। हाँ, तो गलती से मैंने शुरू में बोल दिया था, सिली मिस्टेक मत करना। द प्रोटीन इज कैजीन। मिल्क शुगर अगर आपसे पूछा जाता है, इन दैट केस द आंसर वुड हैव बीन लैक्टोज, इट इज मिल्क शुगर, बट द आंसर इज दिस वन, कैजीन प्रोटीन। ठीक है, ऐसे सिली मिस्टेक मत करो भाई, ये ठीक बात नहीं है। क्वेश्चन जब इजी हो तो उसको तो 100% हमें करेक्ट करना ही है, क्योंकि वो तो सारे बच्चे सही कर रहे हैं, उसको गलत कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, ये तो बता दोगे, इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। राहुल, यही तो मैंने कहा था शुरू में कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा। चलो अब ये बताओ, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, ये भी सारे बच्चों आपको सही करना है, गलत किसी को भी नहीं करना, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप बहुत लंबे वक्त से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो, इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं वन है, केराटिन प्रोटीन को आप जो है अर्थ की सबसे ज्यादा प्रोटीन कंसीडर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। द करेक्ट आंसर इज रूबिस्को। न केवल अर्थ बल्कि हमें कहना चाहिए कि बायोस्फीयर में है ना, क्लियर है ना सबको, पढ़ते आ रहे हो ये तो भाई बहुत लंबे टाइम से, वेरी गुड। आगे चलूं, कार्बोहाइड्रेट यूनिक टू आर्थ्रोपोड, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ये सब ऐसे सवाल हैं जो कि सबको सही करने हैं। चलो, अदनान खान, इनहेरिटेंस पर भी करेंगे सारी चीजें, पहले एक बार जरा आज यहां तो कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, एक बार इस पर कॉन्सेंट्रेट कर लो, फिर हम वहां भी मूव करेंगे। चलो रिप्लाई करो जल्दी से, अभी मुझे केवल ये देखना है कौन से बच्चे हैं जो इसका गलत जवाब देते हैं, अभी तक तो ठीक है सब। महेश शाह, क्यों भाई, आर्थ्रोपोडा में आप आंसर दे रहे हैं हाइलुरोनिक एसिड, क्या सोच के क्या समझ के ऐसी गलतियां करोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन जाने कितनी बार पढ़ते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है, सेल्यूलोज सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, सेल्यूलोज के बाद मिलने वाला सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो पॉलीसेकेराइड है दैट इज काइटिन, पढ़ रखा है भाई तुम लोगों ने, और ऐसी गड़बड़ करोगे तो कैसे काम चलेगा, गलत बात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, इनमें से किसमें एल्डिहाइड या कीटोन फ्री नहीं होता, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। अब इसका आंसर वहीं से आएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं हिंट दिया देता हूं आपको, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, जिसमें भी प्री एल्डिहाइड, अब तुमको एग्जाम में हिंट कौन देगा पहले तो ये बताओ, हिंट क्यों दूंगा, चलो पहले रिप्लाई करो, हिंट विंट नहीं दे रहा, जल्दी बताओ, प्री एल्डिहाइड या प्री कीटोन ग्रुप इनमें से किसमें नहीं मिलेगा,
अपने से ही सोच के जवाब दो। शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ, ये कौन है? शाहिद। समझ के बाहर है। आंसर कहां से आएगा? देखो, कुछ बच्चों ने रिप्लाई कर रखा है जाने फोर, एक बच्चे ने और किया, मुकेश और शाहिद। अब जरा ध्यान दो इधर, अगर तुम लोगों ने वो लेक्चर पढ़ा है, वो लेक्चर सुना है, या उसमें प्रेजेंट थे जिसमें हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़े थे, तो मैंने साफ साफ तुमको ये बताया था कि सुक्रोज जब बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से, तो इसके प्री ग्रुप्स मास्क हो जाते हैं, छुप जाते हैं, और इसी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है। अगर इसमें प्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अवेलेबल होता तो ये भी रिड्यूसिंग हो जाता ना, बाकी सब में तो होते नहीं है, इसी वजह से वो रिड्यूसिंग कैटेगरी के शुगर्स, ठीक है ना? तो ऐसे मत करो भाई, गड़बड़ मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। एक बार जल्दी से बताओ सारे बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें या नहीं? क्लियर? जिन जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो। शाबाश। PUFA, व्हाट इज PUFA? ये भी तीन चार बार डिस्कस हुआ है क्लास में। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद वन, अनसैचुरेटेड विद टू, अनसैचुरेटेड विद मोर देन वन, अनसैचुरेटेड विद मोर देन टू। हाँ जी, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहें? अब जो डेफिनेशन आपने पढ़ रखा है, सुनिए ध्यान से, जो डेफिनेशन आपने पढ़ रखा है सारे बच्चों, उसी पर जाइए और फिर इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको पिक कीजिए। शाबाश। गलत कर रहे हो। इसमें एक ऑप्शन दिया ही केवल इस वजह से कि आप जबरदस्ती कंफ्यूज हो, और सारे के सारे बच्चे, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे उस पर आके टिक रहे हैं। मैं जरा यहां से हटूं, आपको चीज दिखने लगी। लो देखो फिर से, देखो बेटा ऐसा है, बात सुनो। डेफिनेशन में हम ये पढ़ते हैं कि यूजुअली टू और मोर देन टू जिसमें हो उसको पॉलीसेचुरेटेड, पॉली अनसेचुरेटेड कहते हैं। अब आपको ऑप्शन ये भी मिल गया विद टू डबल बॉन्ड, और आपको ऑप्शन ये भी मिल गया विद मोर देन टू डबल बॉन्ड, तो इनमें ज्यादा करेक्ट कौन सा है? पॉली किसे कहेंगे? इनमें से अगर पॉली टर्म हमें इस्तेमाल करना होगा तो इसके लिए करेंगे कि इसके लिए करेंगे? इनफैक्ट PUFA टर्म हम लोग एरेकिडोनिक एसिड के लिए, लिनोलेनिक एसिड के लिए काम में लेते हैं। इन दैट केस द करेक्ट आंसर वुड बी 4। आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो कंफ्यूज मत हो भाई, ये एक ऑप्शन दिया ही इसलिए था जिससे आप दो ऑप्शंस को कंपेयर कर सकें। यहां मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि आप जिस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उसके फ्रंट पेज पर क्या लिखा हुआ आता है, उस पे ये नहीं लिखा हुआ आता कि तीन ऑप्शन गलत हैं और एक ऑप्शन सही है, उस पे लिखा हुआ आता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये भी हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही हो, लेकिन उनमें सबसे सही कौन सा है, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, उस पे आपको टिक करना होता है। अकॉर्डिंगली द आंसर विल बी 4। क्लियर है सबको? चलो, द एक्टिवेटर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का मेटल एक्टिवेटर कौन सा है भाई, बताओ जल्दी से। शाबाश, रिस्पॉन्ड फास्ट। क्या हो गया राहुल बेटा, क्या गलत बोल दिया मैंने? क्या समझ में नहीं आया आपको और मैंने क्या गलत बोल दिया, ये बताओ। ये तो बता ही लोगे सारे के सारे, जिंक, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें ज्यादा हम रुकेंगे नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो अब आगे मूव करते हैं।
Enzymatic function of a protein is due to primary structure, secondary structure, tertiary structure, helix structure. हाँ जी, जिसको भी स्ट्रक्चर याद है, चार तरह के स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, और इनमें से एक स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल में मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ऑल एंजाइम्स कम्स अंडर दिस स्ट्रक्चर. अगर याद है आपको तो आप रिप्लाई कर देंगे जल्दी से. बोलो भाई, रेस्पॉन्ड करो. शाबाश. बहुत अच्छे, जल्दी 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 जल्दी. अरे चैटिंग वैटिंग में मतलब हो, रिप्लाई करो. राजकुमार, राहुल, डेविड, अनुष, ये क्या कर रहे हो बेटा? कृष्णचंद, आप भी ठीक नहीं कर रहे. ऑल एंजाइम्स, याद रखिए, विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल एंजाइम कम्स अंडर, जस्ट अ मिनट, पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो सिंपल वो होते हैं, इस पर आंसर और बाद में आता हूं. याद कीजिए, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, आपको अभी याद आ जाएगा. ये अल्फा हेलिक्स है और ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है कि नहीं? अब मैंने आपसे ये कहा था कि जब इसकी सुपर कॉइलिंग होती है, याद कीजिएगा, अभी याद आ जाएगा, सुपर कॉइलिंग होती है तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं. देखिएगा जरा ध्यान से, ये कहलाया टर्शियरी स्ट्रक्चर, और टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये जो डेवलप हो रही है चीजें, इनको हम कहते हैं एक्टिव साइट. और इसी वजह से जितने भी एंजाइम है वो सारे के सारे किस में आएंगे? विदाउट एक्सेप्शन दे ऑल कम्स अंडर टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो नोट्स आपने अगर घर वाले शक कर रहे हैं तो तुम सही जवाब दो, ठीक है? मैं तो उनको ढूंढता हूं जो गलत जवाब देते हैं. जब इजी क्वेश्चन होता है तो मैं उनको ढूंढता हूं जो गलत जवाब देते हैं, और जब टफ क्वेश्चन होता है तब मैं उनको ढूंढता हूं जो कि सही जवाब देते हैं, ठीक है? और अब इंसिडेंटली ऐसा हो गया है, जब भी मैंने इधर टेक्स्ट बॉक्स की तरफ नजर डाली है तो तुम्हारा रिप्लाई मुझे दिख गया है सबसे पहले. राहुल, चलो. इन द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज, ये ग्लूकोज प्लस एटीपी है, ये दिख रहा है क्या आपको? मैं एरो यहां बना दूं. हाँ जी, इन द रिएक्शन ग्लूकोज प्लस एटीपी, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट प्लस एटीपी, सो हेक्सोकाइनेज को किस कैटेगरी में रखेंगे? ये एंजाइम किस कैटेगरी में रखा जाएगा बताओ भाई? छह तरीके के एंजाइम बताए थे मैंने आप, ऑक्सीडो रिडक्टेज, लाइगेज, लाएज, हाइड्रोलेज, ट्रांसफरेज और आइसोमरेज. अब यहां किस कैटेगरी में रखा जाएगा इसको जरा जल्दी से बताओ सोच के. महेंद्र दास, नीट अगर पोस्टपोन्ड होगा तो उसकी सूचना जैसे ही आएगी उसके 10 से 15 मिनट में आपको सूचना मिल जाएगी, है ना? वी विल क्रिएट अ वीडियो इमीडिएटली फॉर यू. अगर कोई भी नीट से रिलेटेड सूचना आएगी तो हम डेफिनेटली एक वीडियो अपलोड करेंगे, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं. देखो यहां क्या हो रहा है, ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो फॉस्फेट ग्रुप यहां से ट्रांसफर होके इस पे जा रहा है, ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है ना, फॉस्फेट यहां से ट्रांसफर होके ग्लूकोज पे जा रहा है, तो एंजाइम क्या कहलाना चाहिए? ट्रांसफरेज. फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर. अगर यहां लिखा होता ग्लूकोज वन फॉस्फेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट तो आपका आंसर होता आइसोमरेज, क्योंकि उस केस में आइसोमर्स बन रहे हैं. तो थोड़ा सा ध्यान रखिए. शगुन, अब एग्जाम में तुम ऐसे लिख के आओगे क्या? शायद तीन या चार. बोलो, ऐसे रिप्लाई कौन करता है एग्जाम में? और समीर, तुम्हें क्या हुआ बेटा, बायोमोलिक्यूल्स इतनी जल्दी, ये क्या सवाल हुआ? पिछले 8 दिन से बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं, तुम्हारी नींद अब खुली है? 8 दिन से पढ़ रहे हैं लगातार. बोलो, कोई बात नहीं, चलो आगे मूव करते हैं. द टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स आर मैक्सिमम फंक्शनल, यानी कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम्स के लिए वो कौन सा होता है बताओ जरा.
शाहिद आफरीदी, अगर तुम मेहनत करोगे, नीट में अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, तो सभी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। तुमको ये पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कोई मेरा दोस्त बनेगा क्या है। जवाब दो जरा इधर जल्दी से। शशि कह रहे हैं सर फॉस्फेट ग्लूकोज से जुड़ रहा है तो लाइगेज नहीं हो सकता क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। लाइगेज में तो जो दो चीजें होंगी वो तब होता है जब ग्लूकोज और एटीपी दोनों मिलकर के कोई तीसरी चीज बनाते, तो कंबाइंड प्रोडक्ट बन जाता है। इन दैट केस इट वुड हैव बीन लाइगेज। उसमें एडिशनल ऐसा नहीं होगा कि एडीपी बन के अलग हो जाए, है ना? तो जरा ध्यान दीजिए इस तरफ, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम में मोस्ट ऑप्टिमम जो रेंज होती है वो 25 टू 40 होती है। 40 से ऊपर भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी और 25 से नीचे भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। चलो शाबाश, जिन जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया लाइक कर दें और शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम टाइलिन वर्क बेस्ट इन द मीडियम। बहुत इजी सवाल है, इनफैक्ट किसी बच्चे का गलत होना ही नहीं चाहिए। चलो शाबाश, रिस्पॉन्ड फास्ट। टाइलिन वर्क बेस्ट इन विच मीडियम? टाइलिन यानी कि सलाइवरी अल्फा एमाइलेज। सलाइवरी अल्फा एमाइलेज अगर आपको पता है तो आपको सलाइवा का पीएच भी पता होना चाहिए। अब इसमें बिट्टू राजपूत कह रहे हैं थर्ड माने कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक, बताओ। ऐसा होता है क्या कोई? तुम इस तरीके के सवाल गलत करोगे तो कैसे चलेगा बताओ? सब अलग अलग आंसर दिए जा रहे हैं। टाइलिन जो है सलाइवरी एमाइलेज वो सलाइवा में होता है और सलाइवा का पीएच नहीं पता है तुम लोगों को। सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.8। ये भी बताना पड़ेगा, याद करवाना पड़ेगा तुमको। तुम क्या नौवीं दसवीं क्लास के बच्चे हो क्या? एट्थ में पढ़ रहे हो, नाइन्थ में पढ़ रहे हो, किसमें पढ़ रहे हो? चलो टिप्स पर होनी चाहिए चीज। अब 6.8 को कुछ बच्चे कह रहे हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक, कुछ कह रहे हैं स्लाइटली एल्केलाइन। बड़ी विचित्र बात है। तो 6.8 को किस कैटेगरी में रखोगे बोलो? स्लाइटली एसिडिक। अरे एल्केलाइन कहां से हो जाएगा भाई? अभी भी देखो बी 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 लिखे जा रहे हैं। कृष्णचंद कह रहे हैं 4। हाँ तो अब जब 6.8 पीएच है तो वो मीडियम कैसा होगा भाई? कमाल करते हो तुम भी। समझ में आ गया कि नहीं? या अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? मैं चलूं आगे? चलूं एक बार सारे बच्चे बताओ इसमें कोई परेशानी है क्या किसी को? क्योंकि जेन्युइनली अगर इस सवाल में कंफ्यूजन है और परेशानी है तो तुम्हारी स्थिति बड़ी गंभीर है और तुरंत प्रभाव से तुम्हें चिकित्सा की जरूरत है। ट्रीटमेंट कैसे होगा? पढ़ने से। चलो चलो आगे मूव कर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन बी मोस्ट इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द एंजाइम? को एंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप, को फैक्टर, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, अब जिसको एंजाइम का वो पता है पूरा का पूरा, आपको मैंने बताया था, आप कहेंगे मैं लिखे देता हूं यहां पे, होलो एंजाइम को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं या दो फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर आपके तीन तरह के होते हैं, एक तो को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप या मेटल। ये मैंने बता रखा है आपको। अब इनमें से इजीली सेपरेबल कौन सा है ये बता दो जल्दी से। शाबाश, को एंजाइम्स आर इजीली सेपरेबल कंपोनेंट्स, सो द करेक्ट आंसर वुड बी दिस। अगर पूछा जाता कि फॉर्मली अटैच्ड कौन सा रहता है, इन दैट केस द आंसर वुड हैव बीन प्रोस्टेटिक ग्रुप। क्लियर? शाबाश। आगे चलूं,
मूव करूं आगे, बच्चों सेशन को लाइक भी करो और शेयर भी करो, बाकी बच्चे भी तुम्हारे साथ क्विज कर लेंगे तो ठीक रहेगा। चलो, लाइपेज एक्टिंग ऑन फैट ब्रेक, एस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बोलो भाई। चलो रिप्लाई करो, शाबाश, वेरी गुड, रिस्पॉन्ड फास्ट। जल्दी 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 जल्दी। बिट्टू राजपूत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेटा। मनीषा पाठक, दो ही लोग पकड़ में आए हैं अभी तक, बाकी सबके जवाब सही है। अरे भाई, लाइपेज लिपिड पर एक्ट करेगा, लिपिड कैसे बनते हैं? फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच एस्टर लिंकेज होता है, उसी को ब्रेक करेगा ना ये। पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रोटीन में होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपके कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। गड़बड़ मत करो, ठीक बात नहीं है। मिचेलिस कॉन्स्टेंट KM, कल पढ़ाया था आपको, कैसे कंपेयर करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच, ग्राफ याद है, ये पिछले ही लेक्चर में बताया था तुमको। ये वेलोसिटी है, इधर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, देख लो जल्दी से समझ लो। ये वी मैक्सिमम है, ये वी मैक्सिमम बाय 2 है, और वी मैक्सिमम बाय 2 पर जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है उसी को हम कहते हैं KM। सो KM इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी दिस वन। याद आया कि नहीं? फिर से देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। डेफिनेशन याद रखो, है ना? शाबाश, चलो आगे मूव करते हैं। समझ आ गया ना? ये क्लियर है? एक बार जल्दी से रिस्पॉन्स दे दो। समझ आ गया यहां तक तो फिर मैं आगे मूव करता हूं। रिस्पॉन्ड फास्ट, शाबाश, चलो आगे चलते हैं। सल्फा ड्रग्स एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अब ये किसको याद है देखते हैं। शनिवार को बताया मैंने आपको, सैटरडे वाली क्लास में डिस्कस किए थे दोनों, दोनों तरीके के इनहिबिटरी मैकेनिज्म मैंने डिस्कस किए हैं। बोलो 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 भाई, जवाब दो जल्दी से। सल्फा ड्रग्स एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, जल्दी। चलो, सल्फा ड्रग्स एक्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और ये कंपीट किससे करते हैं? पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड से, जो कि बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन के लिए जरूरी होता है। आ रही है बात समझ में? इस वजह से ये उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, ये भी बताया था कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के वक्त क्या होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के वक्त क्या होता है। वी मैक्सिमम किसमें कॉन्स्टेंट रहता है, वी मैक्सिमम किसमें रिड्यूस होता है, KM किसमें बढ़ता है, KM किसमें रिड्यूस होता है, सारी चीजें मैंने सैटरडे वाले लेक्चर में डिस्कस की थी। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो, एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें जल्दी से। चलूं आगे,
इन केस ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम, हाँ ये आ गया ना देखो, वी मैक्सिमम इज इंक्रीज्ड, केएम इज इंक्रीज्ड, एक्सटेंट ऑफ इनहिबिशन रिमेन्स द सेम इन हाई सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, नन ऑफ द अबव। बोलो जल्दी से बोलो, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के केस में क्या होगा? ये मैं ग्राफ फिर से बनाए देता हूं, देखो जब तक आप लोग रिस्पॉन्ड करो। भैया सीधा बन जा। अब जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के दौरान पहले तो ये वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी मैक्सिमम विल बी रीअचीव्ड। दैट इज हाउ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अकर्स। ये देखो वी मैक्सिमम तो अचीव हो गया, रेड कलर का ग्राफ नॉर्मल ग्राफ है, ग्रीन कलर वाला कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ है, वी मैक्सिमम इज अचीव्ड। लेकिन जब हम वी मैक्सिमम बाय 2 पर आते हैं तो अब रेड कलर के ग्राफ पर अगर मुझे केएम का वैल्यू बताना होगा तो केएम ये है, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के वक्त केएम बताना होगा तो केएम ये है, दिस इज केएम न्यू। तो क्या हुआ भाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, जल्दी से देखकर बताओ। शाबाश, वी मैक्सिमम इज इंक्रीज, नो, वी मैक्सिमम तो सेम आ गया दोनों का, केएम इज इंक्रीज बिल्कुल ठीक है, यस, एक्सटेंट ऑफ इनहिबिशन गलत, तो ये सेकंड आंसर आ गया इसमें। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपको याद रखना है, इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वी मैक्सिमम रिमेन्स सेम एंड द वैल्यू ऑफ केएम इंक्रीजेस। क्लियर? अब जिन बच्चों को इस ग्राफ को समझने में दिक्कत आ रही हो वो वही बच्चे होंगे जिन्होंने कि सैटरडे वाला लेक्चर नहीं देखा होगा, है ना, अभी नींद खुली होगी जिनकी, अचानक से जागृति आई होगी, फिर अचानक से ये ग्राफ देखा होगा, फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि ये क्या हो गया यहाँ पे। तो कृपा करके सैटरडे के लेक्चर को एक बार देखें, 55 मिनट या 57 मिनट का लेक्चर है, उसको देख लोगे तो काफी कुछ समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर भी कोई कंफ्यूजन बचता है तो मेरे से पूछिए, ठीक है। चलूं आगे, चलूं, ये दिखाई दे रहा है कि भाई तुमको थोड़ा सा आगे पीछे हो गया मामला, दिखाई दे रहा है तो जवाब दो। यहां आपको दे रखा है वैलिन, टायरोसिन, एराकिडोनिक एसिड, लाइसिन और पामिटिक एसिड। यहां आपको दे रखा है एसिडिक अमाइनो एसिड, फैटी एसिड विद 20 कार्बन एटम्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, फैटी एसिड विद 16 कार्बन एटम्स, एरोमेटिक अमाइनो एसिड एंड बेसिक अमाइनो एसिड। तो जरा मैच करने की कोशिश करो, इसको थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, ये थोड़ी इसकी सेटिंग आगे पीछे हो गई है, पर पढ़ लोगे। बताओ वैलीन, टायरोसिन, एराकिडोनिक एसिड, लाइसिन और पामिटिक एसिड। शाबाश, आया क्या कोई आंसर किसी का? पामिटिक एसिड क्या है भाई? देखो यहां से शुरू करो, व्हाट इज पामिटिक एसिड? 16 कार्बन का फैटी एसिड है, फैटी एसिड विद 16 कार्बन एटम्स। तो 5 को आप मैच कर दें डी से। लाइसिन क्या है? लाइसिन से पहले इस पे आ जाओ, चलो आपके लिए और आसान कर देते हैं। एराकिडोनिक एसिड क्या है? फैटी एसिड विद 20 कार्बन एटम। 3 को बी से कर दो। अब देखो जरा, 3 में बी और 5 में डी नजर आ रहा है आपको? दो जगह नजर आ रहा होगा, इनफैक्ट 3 जगह नजर आ रहा होगा। टायरोसिन, टायरोसिन क्या है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो 2 को ई से कर दीजिए, बस आ गया आपका आंसर।
फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. तीन को मैच कर लीजिए. करेक्ट भाई, जो जहां आसानी से पहुंच पाओ वहां जाओ ना, हिट एंड ट्रायल से हो जाते हैं क्वेश्चन. अगर आपको नहीं भी पता है कि न्यूट्रल कौन सा है, बेसिक कौन सा है, अमाइनो एसिड, तो भी आप कम से कम इतनी चीजें याद होंगी तो आ जाएंगे आप. करेक्ट. चलो, इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ. इन्यूलिन किसका पॉलीमर है, जल्दी बताओ भाई. शाबाश, जल्दी से. अदनान खान, बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करो, देंगे भैया. पहले इसका जवाब दो जल्दी से. इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ. इन्यूलिन किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है, आंसर क्या आ जाएगा, फ्रक्टोज. और इन्यूलिन याद रखिए, इन्यूलिन का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, किडनी फंक्शन टेस्ट या रिनल फंक्शन टेस्ट के लिए इन्यूलिन को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन्यूलिन हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है, वो बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता और किडनी से रेडिली फिल्टर हो जाता है. तो GFR का पता करने के लिए हम ये करते हैं. विच वन इज द स्वीटेस्ट शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज. स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर इनमें से कौन सा है, ये बता दो जल्दी से. शाबाश, हाँ बिल्कुल ठीक है शगुन, सही कह रहे हैं. स्वीटेस्ट नेचुरली अकरिंग शुगर इनमें से कौन सा है, फ्रक्टोज. आसान है. आगे चलो. If all the peptide bonds of protein are broken, then the remaining part is amide, oligosaccharide, polypeptide, amino acid. हाँ जी, बड़ा आसान सवाल है, जल्दी से बता दो. सारे के सारे peptide bond अगर टूट जाएं, तो पीछे क्या बचेगा? Definitely amino acid ही बचेगा. The करेक्ट आंसर विल बी फोर, क्योंकि अमाइनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड बने थे, उसी से तो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज हुआ था. अब वो सारे बॉन्ड टूट गए, जब वो बॉन्ड टूट गए तो फिर क्या बचेंगे पीछे, अमाइनो एसिड्स. हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड विल यील्ड फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मैनोज एंड ग्लिसरॉल, माल्टोज एंड फैटी. बहुत आसान है, जल्दी से बता दो भाई. Respond fast. शाबाश. अरे ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते ही रहते हो तुम लोग, सबको पता है. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, फैट का डाइजेशन होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा. एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेज बाय मेलोनिक एसिड, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाय साइनाइड, हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाय कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ जी, शाबाश, जल्दी से, जल्दी से. दो एग्जाम्पल बताए थे तुमको. पहला एग्जाम्पल तो ये बताया था कि बैक्टीरियल ग्रोथ को, प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए बॉडी में सल्फा ड्रग्स दी जाती हैं, जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन करती हैं. दूसरा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये बेसिकली सक्सिनिक एसिड के लिए, सक्सिनिक एसिड इसका सब्सट्रेट है, लेकिन मेलोनिक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर लगभग सक्सिनिक के जैसा ही होता है. सो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर.
कितने बच्चे ऐसे हैं जरा ये बताओ मुझे जल्दी से जिन्होंने की अभी भी सेशन को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शाबाश। फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर प्राइमरी मेटाबोलाइट राइबोस सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंथोसाइनिन प्रोटीन इंसुलिन सेल्यूलोस इज हेटेरो पॉलीमर। बोलो जल्दी से। शाबाश। आया क्या जवाब किसी का? हाँ जी, अब देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट राइबोस ये तो बिल्कुल ठीक बात है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंथोसाइनिन बिल्कुल ठीक है, इंसुलिन एक प्रोटीन है बिल्कुल ठीक है, पॉलीपेप्टाइड ही तो है, सो इन दैट केस द आंसर वुड बी सेल्यूलोज व्हिच इज नॉट ए हेटरोपॉलीमर बिकॉज इट इज अ केस ऑफ एम्बिग्युटी। इसमें ज्यादातर लोग इसको होमोपॉलीमर कंसिडर करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि एक ही तरह के यूनिट के पॉलीमराइजेशन से बनता है, वो यूनिट है एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजुगेट प्रोटीन? पेप्टोन, फॉस्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, प्रोमोप्रोटीन, जल्दी से बता दो भाई। बस ये आज का हमारा आखिरी सवाल है ये, इसको जल्दी से रेस्पॉन्ड करो। जिन जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो। शाबाश। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन किसे कहते हैं जिसमें प्रोटीन के साथ कोई और पोर्शन एसोसिएटेड हो, जैसे फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेट अटैच्ड है, लिपोप्रोटीन लिपिड अटैच्ड है, क्रोमोप्रोटीन पिगमेंट अटैच्ड है। But peptone is not the conjugate protein. This is the correct answer. Peptone actually is derived protein. समझ में आ गई बात अच्छे से? तो है बेटा है, अंकित सर की क्लास है, मैंने थोड़ा सा टाइम उनसे मांगा है, सर से 5 मिनट का टाइम उनसे लिया है, अभी मैसेज उनका नहीं आया है। बस वैसे भी हमारा क्विज कंप्लीट हो ही गया है, वी ऑलरेडी हैव कंक्लूडेड दिस। This was the last question for today's quiz. इस quiz के बाद और पिछले 7-8 lectures के बाद आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, कुछ fundamentals biomolecule के clear होंगे, कैसे question exam में पूछे जाते हैं ये पता चला होगा, questions को tackle कैसे करते हैं ये पता चला होगा। पुराने sessions एक बार recorded देख लें, जिस भी बच्चे को परेशानी हो समस्या हो comment box में लिखें, otherwise मेरे group पर आ जाएं। Group तो आप लोगों को पता ही है ना सबको, जिन लोगों ने group नहीं join कर रखा है ना भाई, जल्दी से या तो आप इस पर आ जाइए t.me/neetplacebo और या फिर आप इस पर आ जाइए t.me/बकुलदेव। इनमें से किसी भी ग्रुप पर आ जाइए टेलीग्राम पर, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी, किसी भी तरह का और कंफ्यूजन होगा तो उसको भी क्लियर किया जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। आज थोड़ा सा टाइम हमने एक्सटेंड कर लिया है, अब आप सबको तुरंत प्रभाव से अंकित सर की क्लास में पहुंच जाना चाहिए, अंकित सर आपका इंतजार कर रहे होंगे। और प्लस सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों और यूज करो इस कोड को, दैट इज बीदेव। शाम को 4 बजे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, उसमें आना है सारे बच्चों को। और 6 बजे डीकोडिंग एनसीईआरटी की सीरीज हमारी चल रही है स्पेशल क्लास पर, उसमें भी आना है, सारी जानकारी आपको ग्रुप्स पर मिलेंगे, ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलो जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया लाइक कर दो बेटा। टाटा बाय बाय, मुलाकात करते हैं 4 बजे।